हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रमेश कुमार तंबोली, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, किरोड़ीमल गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस ऑटोनोमस कॉलेज रायगढ़। आज हम एमएससी सेमेस्टर फोर्थ जूलॉजी के ऑप्शनल ग्रुप वन पेपर फोर्थ अप्लाइड फिशरीज के अंतर्गत यूनिट थ्री के चैप्टर फाइव प्रिंसिपल कल्टीवेबल फिशेस का विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रिंसिपल कल्टीवेबल फिशेस ये अप्लाइड फिशरीज के अंतर्गत सम्मिलित है। प्रिंसिपल कल्टीवेबल फिशेस का अध्ययन करने के लिए हमने विषय वस्तु को इन बिंदुओं पर केंद्रित किया है। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा एम ऑफ फिश कल्चर, तीसरा टाइप ऑफ फिश कल्टीवेशन, चौथा मेन क्वालिटीज ऑफ कल्टीवेबल फिशेस, पांचवा प्रिंसिपल कल्टीवेबल फिशेस, छठवां प्रिंसिपल कल्टीवेबल ऑर्नामेंटल फिशेस, सातवां कंक्लूजन और आठवां रेफरेंसेस। आइए हम प्रिंसिपल कल्टीवेबल फिशेस के संदर्भ में देखें। फिशरीज मुख्य रूप से ये दो प्रकार की होती हैं, पहला कैप्टिव फिशरीज और दूसरा कल्चर फिशरीज। फिशरीज का आशय फिश के उत्पाद को प्राप्त करने से है। फिश का उत्पाद या फिश प्राकृतिक स्रोतों से भी प्राप्त की जाती है और मेन मेड पॉन्ड से कल्चर के द्वारा भी प्राप्त की जाती है। इस तरह फिशरीज मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, कैप्टिव और कल्चर। कैप्टिव फिशरीज की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता कि इस विधि में प्राकृतिक जल स्रोतों से मछलियां प्राप्त की जाती हैं और ये प्राकृतिक स्रोत समुद्र, झील इत्यादि हो सकती हैं। दूसरा, इन प्राकृतिक स्रोतों में फिश सीड इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है और न ही उनकी रेयरिंग की जाती है। मछलियों का पालन, उनकी देखभाल जिसको हम रेयरिंग कहते हैं, वो नहीं की जाती। वहीं दूसरी ओर जो दूसरी फिशरी है जिसको हम कल्चर फिशरी कहते हैं, इसकी भी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। पहला कि इसमें जो फिशेज हैं वो फिश फार्मिंग के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं। फिश फार्मिंग को वाटर एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। दूसरा, फिश फार्म में फिश कल्चर के लिए पॉन्ड में फिश सीड इंट्रोड्यूस कराई जाती है और उन फिशेस की फीडिंग, ग्रोथ और ब्रीडिंग को अपने सुपरविजन में रखा जाता है, तब इस प्रकार का कल्चर कल्चर फिशरी कहलाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, समय के साथ बढ़ती हुई आबादी का दबाव फिश इंडस्ट्री और फिश कल्चर पर भी पड़ रहा है और इसके फलस्वरूप मार्केट में ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिश की डिमांड निरंतर बढ़ रही है और इसलिए फिश फार्मिंग के माध्यम से फिश का उत्पादन करना एक व्यवहारिक प्रक्रिया बन गई है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि फिश कल्चर के लिए दो तरह की विधियां अपनाई जाती हैं। पहली विधि ट्रेडिशनल मेथड और दूसरी मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में परंपरागत विधि से फिश का कल्चर किया जाता है
उदाहरण के तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों में फिश सीड इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और उसके पश्चात न तो उनकी फीडिंग को, न उनकी ग्रोथ को और न ही उनकी ब्रीडिंग को सुपरवाइज किया जाता है। ये फिशेस कुदरती तौर पर वृद्धि करते रहती हैं। इस मेथड को ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। वहीं दूसरा मेथड मॉडर्न मेथड कहलाता है, जहां साइंटिफिक तरीके से पॉन्ड में फिशेस को इंट्रोड्यूस करने के बाद पॉन्ड के वाटर क्वालिटी, पॉन्ड के फिजिकोकेमिकल कंडीशंस को मॉनिटरिंग किया जाता है और साथ ही साथ फिश के फीडिंग, ग्रोथ और ब्रीडिंग को भी फिश फार्मर अपने सुपरविजन में करता है। तो ये जो फिश कल्चर की प्रक्रिया है, ये मॉडर्न मेथड या साइंटिफिक मेथड कहलाती है। नेक्स्ट, एक अच्छी फार्मिंग के लिए दो बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहली बात कि फिश फार्मर को फार्मिंग में अधिकतम उत्पाद प्राप्त करने के लिए ट्रेनिंग देनी चाहिए, उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए, और दूसरा कि जो अनयूज्ड वाटर है उस वाटर को फिश कल्टीवेशन के लिए वैज्ञानिक तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसका भी प्रशिक्षण फार्मर को दिया जाना चाहिए। फिश फार्मिंग के बाद यह आवश्यक है कि प्रोडक्ट का प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, मार्केट डिमांड अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, और इसलिए अच्छे प्रोडक्शन के लिए फिश फार्मिंग में इस बात को ध्यान देना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किन प्रजातियों की मछलियों का चयन प्रिंसिपल फिशेस के रूप में किया जाए। यदि फिशेस का चयन सही तरीके से किया जाता है तो ऐसी स्थिति में फिश फार्मिंग सक्सेसफुल होगा और निश्चित तौर पर उससे प्रॉफिट भी बेहतर मिलेगा। तो चयन के लिए जो मापदंड हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन मापदंडों की चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे। सामान्य तौर पर जो एडिबल फिशेज हैं उनका कल्चर फिश फार्म में किया जाता है, लेकिन वर्तमान में एक्वेरियम फिशेस का भी कल्चर किया जाने लगा है, क्योंकि घरों में वास्तुशास्त्र के अनुरूप एक्वेरियम रखने की एक परंपरा आरंभ हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर एक्वेरियम के माध्यम से घर के इंटीरियर डिज़ाइन को बेहतर बनाने का भी प्रयास किया जाता है। इन दोनों प्रक्रियाओं में एक्वेरियम फिश की आवश्यकता होती है और इसलिए एक्वेरियम फिश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक्वेरियम फिश का कल्चर भी किया जाने लगा है और एक्वेरियम या ऑर्नामेंटल फिशेस का कल्चर करने का जो अवसर है वो एक रोजगार निर्माण में सहायक होता है, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। काफ़ी लोग इस ऑर्नामेंटल फिशेस के कल्चर में संलग्न हैं। फिश कल्चर के लिए यह आवश्यक होता है कि फिश का चयन करते समय उन्हें उनके मापदंड पर परखा जाना चाहिए और जो फिशेस उस स्टैंडर्ड पैरामीटर्स पर बेटर परफॉर्म करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उन फिशेस का सिलेक्शन प्रिंसिपल कल्टीवेबल फिशेस के रूप में पॉन्ड में किया जाना फायदेमंद होता है। हम देखें फिश कल्चर का एम क्या है, उद्देश्य क्या है। पहला, फिश कल्चर के माध्यम से अधिकतम मात्रा में फिशेस का उत्पादन प्राप्त करना, ये प्रमुख उद्देश्य होता है। दूसरा, फिश फार्मिंग के द्वारा
ऐसी फिशेस का कल्टीवेशन किया जाना आवश्यक होता है जिनके द्वारा स्वादिष्ट और हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली फिशेस का उत्पादन किया जा सके, क्योंकि मार्केट में ऐसे ही फिशेस की डिमांड निरंतर बनी रहती है। तीसरा, फिश इंडस्ट्री के लिए भी जो रॉ मटेरियल हैं प्रोवाइड करने के उद्देश्य से फिश का कल्चर किया जाता है। जहां पर लार्ज स्केल में फिश का कल्चर किया जाता है वहां फिश के जो वेस्टेज होते हैं या नॉन एडिबल फिशेज होते हैं उनको फिश इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में सप्लाई किया जाता है। चौथा, जो एक्वेटिक रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स है, उस वाटर रिसोर्स को उत्पादक बनाने के लिए, प्रोडक्टिव बनाने के लिए उनमें फिश का कल्टीवेशन किया जाता है। नेक्स्ट, टू जनरेट मनी फ्रॉम वाटर। यदि कोई वाटर रिसोर्स अनुपयोगी बना हुआ है तो ऐसी स्थिति में वह अनुत्पादक होता है, नॉन प्रोडक्टिव होता है, उससे कोई मनी जनरेट नहीं होती है। लेकिन यदि उसी वाटर रिसोर्स में फिश का कल्टीवेशन किया जाता है तो इसके फलस्वरूप फिश का प्रोडक्शन वहां मिलता है और उसकी मार्केटिंग करके मनी अर्न की जा सकती है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि फिश फार्मिंग का उद्देश्य मनी जनरेट करने का भी होता है। जहां लार्ज स्केल में फिश फार्मिंग की जाती है वहां मछलियों का निर्यात भी किया जाता है, और ऐसी स्थिति में एक्सपोर्ट करने के एवज में उन्हें फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज भी मिलता है। फिश फार्मिंग एक व्यवसाय के रूप में स्थापित होता है और इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग यदि वैज्ञानिक तरीके से फिश फार्मिंग करते हैं तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें उन्नयन होता है, और यह भी फिश फार्मिंग का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। फिश फार्मिंग रोजगार के अवसर प्रदान करता है। जहां ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मत्स्य पालन को प्राथमिकता दी जाने लगी है जिसके कारण से काफी लोग इसमें नियोजित हैं और उन्हें रोजगार उपलब्ध हो रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देना, यह भी फिश कल्चर का एक उद्देश्य होता है। ऑर्नामेंटल पर्पस, पूर्व में भी हमने चर्चा की थी कि इंटीरियर डेकोरेशन के लिए, आर्टिस्टिक डिस्प्लेसमेंट डिस्प्ले के लिए ऑर्नामेंटल फिशेस को एक्वेरियम में रखा जाता है, और इस उद्देश्य से ऑर्नामेंटल या एक्वेरियम फिश की डिमांड बनी हुई है और एक्वेरियम फिश का प्रोडक्शन भी फिश कल्चर के रूप में किया जाता है। आइए अब हम देखें टाइप्स ऑफ फिश कल्टीवेशन। फिश कल्टीवेशन मुख्य रूप से तीन तरह का होता है। पहला, इंडिजीनस। इंडिजीनस कल्टीवेशन का मतलब यह होता है इसमें उन फिशेस का सिलेक्शन फिश कल्टीवेशन के लिए किया जाता है जिनकी नेटिविटी इंडियन होती है, और इसमें प्रमुख रूप से जो मेजर कार्प्स हैं उनका चयन करके उनका कल्टीवेशन किया जाता है। दूसरा है साल्ट वाटर फिशेस। तो साल्ट वाटर फिशेस को फ्रेश वाटर में कल्टीवेट करना आसान नहीं होता है, और इसलिए साल्ट वाटर फिशेस को फ्रेश वाटर में कल्टीवेट करने के लिए उन्हें एक्लिमेटाइज किया जाता है, उनकी कंडीशनिंग की जाती है, और स्टेप बाय स्टेप कंडीशनिंग करने के बाद जब वो साल्ट वाटर फिशेस फ्रेश वाटर में सर्वाइव करने के योग्य हो जाती हैं तब उन फिशेस का कल्टीवेशन किया जाता है। इसे हम कहते हैं साल्ट वाटर फिशेस एक्लिमेटाइज फॉर फ्रेश वाटर। प्रमुख रूप से चेनोज और मुलेट इसके अंतर्गत सम्मिलित होती है। तीसरी, एक्जोटिक फिश कल्टीवेशन।
एग्जोटिक फिश कल्टीवेशन में उन फिशेस का सिलेक्शन किया जाता है जिनकी नेटिविटी इंडियन नहीं होती है, जो देश के बाहर अन्य देशों से आयात की जाती हैं और उनका कल्टीवेशन किया जाता है। एग्जोटिक स्पीशीज में जो प्रमुख हैं जिनका देश में कल्चर किया जाता है, ये है मिरर कार्प, चाइनीज कार्प, क्रूशियन कार्प और कॉमन कार्प। ये तीन प्रकार के फिश कल्टीवेशन हैं। इसी क्रम में यदि हम वाटर को लेकर के फिश कल्टीवेशन को क्लासिफाई करें तो दो तरह का कल्टीवेशन हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है। पहला कोल्ड वाटर फिशेस और दूसरा वार्म वाटर फिशेस, जिसको हम नॉर्मल वाटर फिशेस भी कह सकते हैं। कोल्ड वाटर फिशेस में मुख्य रूप से इंडिजिनस, जिनकी नेटिविटी इंडियन है, उन फिशेस का कल्चर किया जाता है, और एग्जोटिक में उन फिशेस का कल्चर किया जाता है जिनकी नेटिविटी इंडियन नहीं होती है। वहीं जो नॉर्मल वाटर या वार्म वाटर फिशेस हैं, इनमें कई तरह की फिशेस हैं जो यहाँ कल्चर करने के लिए अनुकूलित होती हैं। ये प्रमुख मछलियाँ हैं जिनका सिलेक्शन कल्टीवेशन के लिए किया जाता है, वो हैं मेजर कार्प, माइनर कार्प, एग्जोटिक कार्प, म्यूरेल्स, कैटफिशेस, इंडिजीनस पर्सी फार्म फिशेस, एग्जोटिक पर्सी फार्म फिशेस, म्यूजिल फिशेस। आइए अब हम देखें फिश फार्मिंग के लिए जिन फिशेस का सिलेक्शन किया जाता है उन फिशेस में क्या क्या प्रमुख क्वालिटी या गुण होने चाहिए। तो प्रिंसिपल कल्टीवेबल फिशेस की जो क्वालिटी हैं उन्हें हम इन पैरामीटर्स पर जांच सकते हैं। आइए क्रमिक रूप से हम इनका अध्ययन करें। पहला, जिस फिश का कल्टीवेशन निर्धारित एरिया में किया जाना प्रस्तावित है, उन फिशेस को उस एरिया के क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुरूप अनुकूलित होने की क्षमता होनी चाहिए। वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन, पानी के फिजिको केमिकल कंडीशन, इसको एडाप्ट करने की क्षमता या क्वालिटी उनमें होनी चाहिए। दूसरा, उन फिशेस में जो ग्रोथ रेट है वो फास्ट होना चाहिए, और इसके अलावा उन्हें निर्धारित समय में अपनी पूरी लेंथ, जिसको हम गुड लेंथ कह सकते हैं, और वेट दोनों हासिल कर लेना चाहिए। अर्थात निर्धारित समय में उन्हें अपनी लंबाई और अपना वजन एक्वायर कर लेना चाहिए। तीसरा, उन फिशेस में यह भी क्षमता होनी चाहिए कि जिस पॉन्ड में उनका कल्टीवेशन किया जा रहा है, उस पॉन्ड में जो प्राकृतिक भोजन है, जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जूप्लैंक्टन्स हैं, इनको वो नेचुरल फूड के रूप में यूटिलाइज कर सके। चौथा, यदि किन्हीं कारणों से पॉन्ड में नेचुरल फूड की कमी हो जाती है, ऐसी दशा में उस पॉन्ड में आर्टिफिशियल फूड फिश फार्मर इंट्रोड्यूस करता है, तो उस आर्टिफिशियल फूड को भी कंज्यूम करने की क्षमता उस फिश पे होनी चाहिए। पांचवा, कल्टीवेबल फिश में यह गुण होना भी आवश्यक है कि वह अपने ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए भोजन की संतुलित मात्रा का उपयोग करे, उसको पेडुहोरस नहीं होना चाहिए। पेडुहोरस का आशय यह है, उसे बहुत ज्यादा भोजन खाने वाली मछली नहीं होनी चाहिए। छठवां, कल्टीवेबल फिशेस को प्रीडेशियस या प्रीडेटर नहीं होनी चाहिए। प्रीडेटर होने के गुण से वह पॉन्ड में उपस्थित अपने से छोटे आकार की मछलियों को फीड कर सकती है, और इस तरीके से जो प्रोडक्शन लास्ट में मिलना चाहिए वो अनुरूप नहीं मिलेगा। अतः यह आवश्यक है कि जिस फिश का सिलेक्शन कल्चर के लिए किया जा रहा है, प्राथमिक तौर पर उसे हर्बीवोरस होना चाहिए। सातवां, उस फिश में यह भी गुण होना चाहिए कि जिस पॉन्ड में उसका कल्चर किया जा रहा है,
वयस्क होने पर वह उस पॉन्ड वाटर में सुगमता के साथ प्रजनन कर सके। आठवां, उस फिश के साथ में यह बात भी महत्वपूर्ण है, उसे कंज्यूमर प्रेफरेंस होनी चाहिए। कंज्यूमर में उसकी डिमांड बनी रहनी चाहिए और यह तभी संभव है जब वह फिश स्वादिष्ट हो, उसकी पोषण गुणवत्ता बेहतर हो तथा उसमें बोन का जो कंपोजिशन है वो फ्लैश के रेशो पे काफ़ी कम। नौवां, उस फिश को उस क्षेत्र में होने वाली जो सामान्य बीमारियां हैं, डिजीज हैं जो परजीवियों के द्वारा होती है, उसके प्रति रेजिस्टेंट या प्रतिरोधी होनी चाहिए। दसवां, उन फिशेस को पॉन्ड में अधिक संख्या में यदि रखा जाता है तो ऐसे स्थिति में हाई पॉपुलेशन डेंसिटी में रहने की योग्यता उस फिश में होनी चाहिए। जिन फिशेस को पॉन्ड में कल्चर किया जा रहा है, यदि वो एक ही प्रजाति की हैं तो भी उनके मध्य किसी तरह की प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन नहीं होना चाहिए, और यदि एक से अधिक प्रजातियों का साथ साथ कल्चर किया जा रहा है तो भी उनमें इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन नहीं होना चाहिए। अर्थात उनमें ये क्षमता होना चाहिए कि वो अन्य प्रजातियों की मछलियों के साथ में भी समान रूप से सर्वाइव कर सकें। बारहवां, चयनित मछलियों में यह क्षमता होनी चाहिए कि जिस पॉन्ड में उनको कल्चर किया जा रहा है उस पॉन्ड के वाटर में जो भी सडनली फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में, तो उस फ्लक्चुएशन के प्रति वो टॉलरेट होनी चाहिए, उनको वो बर्दाश्त कर सकने के योग्य होनी चाहिए। और तेरहवां है, शुड बी रेजिस्टेंट टू हैंडलिंग एंड हार्डशिप ऑफ ट्रांसपोर्ट। चयनित मछलियों को जब रीलिंग के दरमियान एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उस दरमियान इस प्रक्रिया के प्रति उन्हें रेजिस्टेंट होना चाहिए, और इसके अतिरिक्त जब इन फिशेस का ट्रांसपोर्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जा रहा है तब भी उन्हें इस प्रक्रिया के प्रति कोऑपरेटिव होना चाहिए, उसके प्रति रेजिस्टेंट होना चाहिए। यदि हम 1 से 13 तक के बिंदुओं को ध्यान में दें तो ये 13 वो पैरामीटर हैं जो प्रिंसिपल फिशेस के सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ऐसी कोई भी फिश नहीं है जो चयन के लिए इन 13 मापदंडों को पूरा कर सके। अतः ऐसी स्थिति में उन फिशेस का सिलेक्शन कल्टीवेशन के लिए किया जाना चाहिए जो इन 13 बिंदुओं में से अधिकतम बिंदुओं को क्वालिफाई करें, उसको सपोर्ट करें। अब प्रिंसिपल कल्टीवेबल फिशेस के बारे में विस्तार से हम यहाँ पर देख रहे हैं। हमने प्रिंसिपल कल्टीवेबल फिशेस को कई कैटेगरी में बांट रखा है। आइए सबसे पहले हम देखें कोल्ड वाटर कल्टीवेबल फिशेस। यहाँ पर उन फिशेस को हमने एक चार्ट के रूप में प्रदर्शित किया है जिसमें हमने उन फिशेस का जूलॉजिकल नेम, उनका कॉमन नेम और फीडिंग हैबिट को दर्शाया है। ये कोल्ड वाटर फिशेस हैं जो सामान्य तौर पर देश के उन भागों में जहां पर पानी का तापमान सामान्य तापमान से कम होता है वहां इनका कल्टीवेशन किया जाता है। ये फिशेस प्रमुख रूप से इस तरह से हैं, पहला सेल्मोट्रेटा फेरियो, दूसरा सेल्मो गैल्डेनरी, तीसरा टार टार, चौथा टार प्यूटिटोरा, पांचवा टार खुल्डी, छठवां एक्रोसोचिलस हेक्सागोनोलेपिस और सातवां टिंका टिंका। यहाँ ध्यान रखेंगे
ये जो कोल्ड वाटर कल्टिवल फिशेज में टिंका टिंका है, ये एक्जोटिक फिश है, अर्थात इसकी नेटिविटी इंडियन नहीं है। तो ठंडे प्रदेशों में जहाँ पानी का तापमान कम होता है, ऐसे पॉन्ड वाटर में इन कोल्ड वाटर फिशेस का चयन कल्टीवेशन के लिए किया जाता है। आइए अब हम देखें वार्म वाटर या नॉर्मल वाटर कल्टीवेबल फिशेस। इनमें हमने इन्हें मेजर कार्प और माइनर कार्प जैसी श्रेणियों में विभाजित किया हुआ है। पहले हम देखें मेजर कार्प्स के बारे में। ये फैमिली साइपरिनिडी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। मुख्य रूप से तीन मेजर कार्प हैं जो देश के अधिकांश हिस्सों में कल्चर के लिए चयन की जाती है। ये हैं क्रमशः कतला कतला, इसका कॉमन नेम कतला है, दूसरा लेबियो रोहिता, रोहू के नाम से जानी जाती है, और तीसरा सिरिनस मृगला, यह मृगल के नाम से जानी जाती है। तो मार्केट में अधिकांश जो फिशेस उपलब्ध होती हैं वो कतला, रोहू और मृगल ही होती हैं, क्योंकि नॉर्मल वाटर में इनका कल्टीवेशन प्रॉफिटेबल भी है और सक्सेसफुल भी है। अगले क्रम में हम नॉर्मल वाटर कल्टीवेबल फिशेस में माइनर कार्प्स के बारे में देखते हैं। ये भी फैमिली साइपरिनिडी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। ये फिशेस इस तरह से हैं, लेबियो कालबासु, लेबियो फिम्ब्रिएटस, लेबियो कोंटियस, लेबियो बाटा, सिरिनस सिरोजस और पंक्टियस कैरेंडिटिकस। इनका कल्चर माइनर कार्प के रूप में किया जाता है और ये भी प्रॉफिटेबल होती हैं और इनका कल्चर भी सक्सेसफुल होता है। एक्जोटिक कार्प्स के बारे में हम देखें, ये तीनों कार्प्स चाइनीज हैं, अर्थात चाइना से ये इंडिया में इंपोर्ट की गई हैं और उनको इंट्रोड्यूस करने के बाद उनका कल्टीवेशन किया जाता है। और ये एक्जोटिक कार्प्स हैं हाइपोथैलमिथिस मॉलिट्रिक्स, सिल्वर कार्प के नाम से जानी जाती है, साइप्रिनस कार्पियो कॉमन कार्प तथा टीनो फेरिंगोडॉन इडला, यह ग्रास कार्प के नाम से जानी जाती है। यहाँ हम ध्यान दें कि टीनो फेरिंगोडॉन इडला या ग्रास कार्प का चयन उन पॉन्ड के लिए किया जाना बेहतर होता है जहाँ पर एक्वेटिक वेजिटेशन की ग्रोथ काफ़ी हाई होती है और साथ ही साथ पॉन्ड में एक्वेटिक वेजिटेशन को कंट्रोल करने में असुविधा होती है। तो ऐसे पॉन्ड में यदि टीनो फेरिंगोडॉन इडला या ग्रास कार्प को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ये ग्रास कार्प एक्वेटिक वेजिटेशन को प्राथमिकता के आधार पर फीड करते हुए उनके नियंत्रण में, उनके इरिडिकेशन में ये काफ़ी मददगार होती है। म्यूरल्स, ये ऑर्डर चन्नी फार्मिस के अंतर्गत आती हैं। इनको हम स्नैक हेड फिशेज भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से एयर ब्रीदिंग फिशेज होती हैं और इनका कल्चर उन स्थानों पर करने के लिए किया जाता है जहां पर वाटर टेबल पॉन्ड में कम होता है और साथ ही साथ पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी निरंतर बनी रहती। तो ये जो म्यूरल फिशेज हैं ये इस तरह से हैं, पहला चन्ना मॉरेलियस, दूसरा चन्ना स्ट्राइटस और तीसरा है चन्ना पंक्टेटस। नेक्स्ट कैट फिशेस, ये ऑर्डर सिलूरी फॉर्मिस के अंतर्गत आती है। ये कैट फिशेस जिनका कल्टीवेशन सक्सेसफुली किया जाता है वो हैं हिट्रोप्नुस्टस फॉसिलिस, क्लेरियस बैट्रेकस और क्लेरियस मैक्रोसिफेलस। ये तीनों प्रकार की जो कैट फिशेज हैं इनका कंपोजिट कल्चर भी किया जाता है और साथ ही साथ ये तीनों फिशेज एयर ब्रीदिंग फिशेज भी होती हैं, इसलिए जिन स्थानों पर पानी की उपलब्धता कम होती है और साथ ही साथ पानी में ऑक्सीजन की उपस्थिति कम होती है, अतः ऐसे पॉन्ड वाटर में इनका कल्टीवेशन सक्सेसफुली किया जा सकता है। ऑर्डर पर्सिफॉर्मिस के अंतर्गत एनापास टेस्टुडिनियस और यूट्रोप्लस सुरेटेंसिस का कल्चर किया जाता है, जिन्हें क्रमशः क्लाइंबिंग पर्स और पर्ल स्पॉट के नाम से जाना जाता है।
आइए अब एक्सोटिक पर्सिफॉर्मिस फिशेस के बारे में देखें। मुख्य रूप से दो ही फिशेस हैं, पहला आस्फ्रोनेमस गोरेमी, इसे गोरेमी के नाम से जाना जाता है, और दूसरा तेलपिया मोजेम्बिकस, इसे तेलपिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि जहाँ पर फिश फार्मिंग में मोनोसेक्स कल्चर करना है, अर्थात एक ही सेक्स की फिश का कल्चर किया जाना है, वहाँ पर तेलपिया मोजेम्बिकस का कल्चर सक्सेसफुल होता है। और मोनोसेक्स कल्चर में फिश जो भोजन कंज्यूम करती है उसका मैक्सिमम पार्ट उसके फिजिकल ग्रोथ के लिए यूटिलाइज किया जाता है, वह रिप्रोडक्शन के लिए खर्च नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि उस पॉन्ड में केवल एक ही प्रकार के सेक्स वाले फिशेस का कल्चर किया जाता है। ऑर्डर मुजुलिफॉर्मिस, इसमें एक ही फिश है जिसका चयन फिश कल्टीवेशन के लिए किया जाता है, और वो है मुजिल सिफेलस, जो ग्रे मुलेट के नाम से जानी जाती है, और ये सर्वाहारी या ओमनिवोरस होती है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित करें। पहली महत्वपूर्ण बात तो ये है कि कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जो जिस पॉन्ड में उनको कल्टीवेट किया जाता है उसी पॉन्ड में वो आसानी के साथ ब्रीड कर सकती हैं, और ये फिशेज हैं साइप्रिनस कार्पियो, तेलपिया मोजेम्बिकस, आस्फ्रोनेमस गोरेमी, यूट्रोपिया सुरेटेंसिस, चन्ना की तमाम स्पीशीज और कैट फिशेज। लेकिन मछलियों का एक ऐसा समूह है जो पॉन्ड वाटर कंडीशन पर ब्रीडिंग नहीं करता है, तो ऐसी फिशेस ज़्यादातर कार्प्स होती हैं, और ये कार्प पॉन्ड वाटर में पॉन्ड कंडीशन में ब्रीड नहीं करती। क्यों? क्योंकि इनको ब्रीडिंग के लिए फ्लडेड वाटर चाहिए, रनिंग वाटर चाहिए, और ऐसी दशा में यदि कार्प का कल्चर किया जा रहा है ब्रूडर्स के रूप में या ब्रीडिंग के लिए उन्हें इस्तेमाल करना होता है, तो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग की प्रक्रिया इनके लिए अपनाई जाती है, और इंड्यूस्ड ब्रीडिंग वस्तुतः एक आर्टिफिशियल ब्रीडिंग की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के द्वारा इनमें पॉन्ड में ही आसानी के साथ ब्रीडिंग कराई जा सकती है। ये एक नया पॉइंट हमने ऐड किया है, और वो है प्रिंसिपल कल्टिवेबल ऑर्नामेंटल फिशेस। ऑर्नामेंटल फिशेस को हम एक्वेरियम फिशेस भी कहते हैं, और इनका कल्टिवेशन भी अब एक रेगुलर प्रैक्टिस की बात बन रही है, क्योंकि एक्वेरियम का प्रमुख उद्देश्य इस तरह से है, पहला हॉबी, दूसरा डेकोरेशन, तीसरा कॉमर्शियल और चौथा साइंटिफिक स्टडीज। इन चार महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए एक्वेरियम फिश, जिसे हम ऑर्नामेंटल फिश कहते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। और एक्वेरियम फिश की जो डिमांड है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, और ऐसी स्थिति में यह डिमांड एक्वेरियम फिश के कल्टीवेशन को प्रोत्साहित कर रही है, उसको प्रमोट कर रही है। आइए हम देखें ऐसी कौन कौन सी एक्वेरियम फिशेज हैं जिनका कल्टीवेशन देश के विभिन्न भागों में किया जा रहा है। ये फिशेस इस तरह से हैं, गोल्ड फिश, एंजल फिश, फाइटर फिश, गोरेमी, किसिंग गोरेमी, मौली, गुप्पी, स्वॉर्टेल, प्लेटी, विडोटेट्रा, जेब्रा फिश और टाइगर बार। कुछ निष्कर्ष की ओर हम चलते हैं। प्रिंसिपल कल्टीवेबल फिशेस का जो हमने अध्ययन किया उसका दायरा कुछ इस तरह से है। हम ये जानते हैं कि फिश मनुष्य के भोजन का एक पूरक हिस्सा है, और इसलिए इनका कल्टीवेशन किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि फिश का कंज्यूमशन एज ए सप्लीमेंट्री फूड इसलिए किया जाता है
क्योंकि यह मनुष्य के शरीर में जो बायोकेमिकल डिमांड है उसकी पूर्ति करती है, और इस बायोकेमिकल डिमांड के अंतर्गत विटामिन्स, मिनरल्स और दूसरे तरह के मेडिसिनल कंपोनेंट्स सम्मिलित होते हैं। ये सारी चीज़ें फिश के माध्यम से, फिश फ्लैश के माध्यम से उपलब्ध हो पाती हैं। सक्सेसफुल फिश फार्मिंग के लिए यह अति आवश्यक है कि पूरी प्रैक्टिस को साइंटिफिक मेथड के द्वारा किया जाए, और इस प्रक्रिया के द्वारा जिन फिशेस का सिलेक्शन किया जाए वे फिशेस चयन के अधिकतम बिंदुओं को सपोर्ट करें। जिन फिशेस का चयन फिश कल्टीवेशन के लिए किया जा रहा है उन फिशेस का मार्केट डिमांड ह्यूमन कंजुम्पशन के लिए या फिश इंडस्ट्री के लिए बेहतर होनी चाहिए। ऑर्नामेंटल फिशेस का कल्टीवेशन भी एक नए उद्योग के रूप में विस्तार ले रहा है, और इसके कारण से एक नए क्षेत्र में रोजगार के अवसर निर्मित हो रहे हैं। अंतिम तौर पर हम देखें कि देश के दक्षिण हिस्सों में कुछ ऐसी फिशेस का कल्टीवेशन किया जाता है जिनका मेडिसिनल वैल्यू होता है, और इन मेडिसिनल वैल्यू वाली फिशेस का उपयोग विभिन्न तरह के मेडिसिन्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में विभिन्न उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। ये रेफरेंसेस। धन्यवाद।